हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल के अंदर जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, बहुत बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेरेंट्स ने याचिका दायर कर दी है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो जिसके पेपर बचे हुए हैं 12th के, वो सारे के सारे कैंसिल कराने की मांग की गई है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। ये न्यूज़ है एनडीटीवी की। इसमें लिखा गया है, देखो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बच्चों पर कोरोना का खतरा, कैंसिल हो 12वीं के बचे हुए पेपर। इसको लेकर के याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो उन्होंने मांग की है कि जो 12th के जो बचे हुए पेपर हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के, वो सारे के सारे कैंसिल हो और बच्चों को सीधा ही प्रमोट कर दिया जाए। जैसा कि 9th क्लास को, 11th क्लास को, बाकी क्लास को प्रमोट किया था, वैसे ही सीधा प्रमोट कर दिया जाए। तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या क्या याचिका दायर की गई है। तो देखिए, छात्रों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के 12वीं क्लास के बचे हुए पेपर ना कराए जाएं, क्योंकि देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एग्जाम देने से बच्चों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ से दायर याचिका मांग की गई है कि 12वीं के बचे हुए बोर्ड एग्जाम को कराने का जो फैसला सीबीएसई ने लिया है, उसे रद्द कर दिया जाए। ये मांग की गई है। बहुत ही ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज वाली खबर है। देखिए, नीचे लिख रखा है इन्होंने कि याचिका में कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। याचिका में मांग की गई है कि 12वीं क्लास के लिए अब तक हुए पेपर और बचे हुए पेपर में आंतरिक आकलन के औसत के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए। जो पेपर हो चुके हैं और जो उन हिसाब से ही उनको क्या दें, नंबर दें और आगे उनको प्रमोट कर दें सीधा। इसके अलावा इन्होंने लिखा है, देखो नीचे और लिखा है कि याचिका में लाखों बच्चों की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए कहा गया है कि परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में ये छात्र कोविड-19 के संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं और कोर्ट में अपील की गई है कि शेष विषयों की परीक्षा आयोजित करने के संबंधित सीबीएसई की 18 मई को जारी की गई अधिसूचना रद्द कर दी जाए और इसी के आधार पर 12वीं की नतीजे घोषित करने का निर्देश बोर्ड को दिया जाए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी फैसला नहीं दिया है, केवल पेरेंट्स ने याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 की जो परीक्षाएं हैं 12वीं की, वो सारी रद्द कर दी जाए और बच्चों को सीधा ही क्या कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए। इन्होंने नीचे लिख रखा है, देखो, याचिका में तर्क दिया गया है कि आईआईटी जैसे अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अपने यहाँ परीक्षाएं रद्द कर दी है। याचिका में परीक्षा केंद्रों की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि ये केंद्र भी संक्रमणग्रस्त क्षेत्र में आ सकते हैं। तो जो आईआईटी के जो कॉलेज हैं, उन्होंने भी अपनी परीक्षाएं हैं जो जो सेमेस्टर हैं वो सारे रद्द कर दिए हैं और बच्चों को प्रमोट कर दिया है। तो ये एक तर्क दिया गया है कि आप भी सीबीएसई के अंदर जो 12th के बच्चे हैं उनको भी आप सीधा नंबर देकर प्रमोट कर दिएंगे, उनकी परीक्षाएं ना ली जाए क्योंकि उनको संक्रमण का खतरा हो सकता है। अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 की परीक्षाएं अगर रद्द होती है तो फिर से चांसेस बन जाते हैं कि आपके जो नीट एग्जाम है वो भी फिर से आगे पोस्टपोन होने चाहिए। अगर हो सकता है फिर से अगर कोई पेरेंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे देता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, तो हो सकता है आपका नीट एग्जाम भी फिर से पोस्टपोन हो जाए। बिल्कुल चांसेस है इनके। तो कैसी लगी आपको न्यूज, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ये, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।